Then everyone, चल आगे लिखो लेक्चर नंबर टू. लेक्चर नंबर टू पेज नंबर 4 to 8. नोट्स में पेज नंबर 4 to 8 रीड करना है और लेक्चर नंबर टू. और बेसिकली जो डिस्कशन है वो अपना स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड देयर डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन है. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम क्यों बनाया गया यूनिट्स का, उसका मैं आपको पॉइंट समझाता हूं. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम और डिराइव्ड यूनिट क्यों आया. इंटरनेशनल सिस्टम आने का सबसे बड़ा रीजन ये था ना कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं मास में बात कर रहा हूँ पीजी में, आप उसी पीजी को कुछ और बोल रहे हो पर आप दूसरे कंट्री का कुछ और बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगा ना. इसलिए उसको क्या किया गया, एक वर्ड दे दिया गया कि मास होगा तो इस टर्म में बात होगी. बराबर, वैसे एक यूनिट बनाया गया. इफ आई आस्क यू कि ये क्लासरूम में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो आप मुझे क्या बोलोगे, बोलो आप एक नंबर बताओगे ना. आपने बोला सर 45 है या 50 है. 50 क्या नंबर है, 50 हाँ या ना. तो 50 अगर मैंने बोला तो इससे समझ में आ गया बात मेरा. अरे इससे समझिए क्या सुनो. ठीक है, मैंने आपको पूछा कि डिस्टेंस फ्रॉम सांगली टू इस्लामपुर क्या होगा बताओ. सांगली से इस्लामपुर का, सांगली बस स्टैंड से इस्लामपुर बस स्टैंड का क्या डिस्टेंस होगा, एक एवरेज अप्रोक्स बता सकते हैं आप. 40-50 किलोमीटर के आसपास, लेट्स अज्यूम 45 किलोमीटर. पहले और इस आंसर में डिफरेंस समझे, आपने बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 है, आपने उसके साथ कोई यूनिट स्पेसिफाई बट यहाँ पे यूनिट स्पेसिफाई किया ना आपने, डिफरेंस समझ रहे क्या है. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसका आंसर सिर्फ नंबर देता है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक पार्ट. बराबर, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर के लिए आई नीड बोथ न्यूमेरिक पार्ट एज वेल एज यूनिट पार्ट. मुझे दोनों चाहिए, न्यूमेरिक भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, आया समझ में. और वो भी दैट यूनिट शुड बी अप्रोप्रिएट. कैसे, लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. पहला क्वेश्चन समझा सबको, डिस्टेंस फ्रॉम सांगली टू इस्लामपुर. माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड. ये बोर्ड जो है इसकी क्या लेंथ होगी, बोलो. 10 मीटर. ये 5 से 6 मीटर के आसपास ही होगा. वो बड़ी वाली स्केल है ना जो, वो 1 मीटर के आसपास होती है. इतनी होगी, 1, 2, 3, 4, 4.5 के आसपास होगा. 5 मीटर के आसपास. इसका आंसर आपने किलोमीटर में क्यों नहीं लिया, बोले सर किलोमीटर के टर्म्स में ये जो यूनिट है ना, ये जो लेंथ है वो किलोमीटर के लिए बहुत छोटा है. आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. ये जो मार्कर है इसका क्या लेंथ होगा, किलोमीटर ऐसा बोला. सेकंड में आपने बोला कि इट इज अराउंड 6 मीटर. थर्ड में आपने बोला इट इज अराउंड 12 सेंटीमीटर. कुछ समझ आ रहा है, अलग अलग यूनिट्स. बराबर, मैंने ये आंसर है किलोमीटर के टर्म्स में क्यों नहीं बोला. बोले सर अगर ये किलोमीटर के टर्म्स में आप बोलते तो आपको शायद कुछ ऐसा बोलना पड़ता, 0.00000 समथिंग लाइक दैट, 1-2 किलोमीटर ऐसा कुछ आप बोलते थे. बराबर, तो वो नंबर जो हुआ उसका वो फिजिबल नहीं है, वो कन्वीनियंट नहीं है, वो अल्जेब्रा के लिए कन्वीनियंट नहीं है. ब्रेन को 1 to 99, 1 to 100 की नंबर इजिली समझते हैं. 0.001 × 0.001 ब्रेन को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, आया समझ में. तो ये सारी चीजें, ये सारी बातों की वजह से हमने यूनिट्स के अंदर भी कई सारी डिराइव यूनिट्स निकाले. समझा, तो आज वही यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स का डिस्कशन है अपना. ठीक है, और जिसमें सबसे पहला फर्स्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, लेंथ. सबसे पहला शुरुआत ही लेंथ से करेंगे. लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है आपको पता है इसके बारे में, मीटर. पहली बात, ये कभी मीटर्स नहीं होता है, मीटर किलोग्राम्स, किलोग्राम ग्राम्स ग्राम.
आप समझे, ठीक है, तो ये लिखे भी दिया हुआ आपको। तो लेंथ में जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर का क्या रिलेशन है सेंटीमीटर के साथ, क्या लिखता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कोई ऐसा है जिसको ये रिलेशन नहीं पता कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? सबको पता होगा ना, बराबर। चलो अब इसके आगे की जो रिलेशन है वो मैं बताता हूँ कि अगर मैं इसी को सेंटीमीटर से मीटर लिखूंगा तो क्या होगा, उल्टा 1 सेंटीमीटर कितना मीटर हो गया, 0.01। मैंने बोला ना आप 0.01 0.001 ये ब्रेक को बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए अपन साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे। अपन इसको लिखेंगे 10^-2 मीटर, 0.01 ये इसको समझ में आता होगा सबको। 0.1 कितना हो गया, 10^-1, 0.01 10^-2, 0.001 0.00001 10^-4, 10^-3 into 10^-4 is equal to 10^-7, 10^-3 into 10^-4 is equal to 10^-1, 10^-3 into 10^-4 is equal to 10^-1, 10^3 into 10^4 is equal to 10^-7. डिफरेंस को समझ लें, ठीक है। तो आगे ये सब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है तुमसे, ठीक है, वो सब नहीं चाहिए मुझे। 10^5 डिवाइड बाय 10^3 इज इक्वल टू, समझे कैसे, a^m/a^n इज इक्वल टू a^m-n, बराबर। आंसर क्या आ गया, 10^2। अगला 10^-5/10^3 आंसर 10^-2 अलग वाले, ये -5 है, ये 3 ऊपर जाएगा क्या बनेगा, -3, -5 और -3 क्या बन गया, 10^-2 10^-5 डिवाइड बाय 10^-3 आंसर, -3 ऊपर गया क्या बना, +3, 10^-5 + 3 क्या हो जाएगा, 10^-2 बराबर, 10^5 upon 10^-3 क्या हो जाएगा, 10^-3 ऊपर गया क्या बन गया, 10^3, 5 + 3 क्या हो गया, 10^8, इस छोटी छोटी पॉइंट्स आ रही थी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर, आपने एक और टर्म सुना होगा मिलीमीटर, तो मिलीमीटर होता है 10^-3 मीटर, मिलीमीटर क्या होता है 10^-3 मीटर। द टर्म इज कॉल्ड माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-6 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, 1 angstrom is equal to 10^-10 meter, 1 picometer is equal to 10^-12 meter, 1 Fermi or femto is equal to 10^-15 meter. क्या हुआ? तो ये धीरे-धीरे लर्न कर रहे हैं। अभी के लिए इतने दे रहा हूँ, ठीक है? काफी बड़ा सन्नाटा जा गया था। तो 1 centimeter 10^-2 meter, 1 millimeter 1 micrometer 10^-6, 1 nanometer 10^-9, 1 angstrom 10^-10, 1 picometer 10^-12, 1 Fermi 10^-15। ऐसा समझ में, तो मुझे क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है, देखो एग्जांपल, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ऐसा है कि अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश मीटर, आंसर जो भी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कन्वर्टेड इनटू मीटर है, आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर, आंसर में 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 10^-2 मीटर, जो भी नंबर होगा शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, हां सो कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, ये बात समझ में आई, 3 सेंटीमीटर कम ऑन कन्वर्टेड इनटू मीटर, 3 × 10^-2 वाला कौन है भाई, 4 सेंटीमीटर आपको एक सिंपल सा वर्ड समझा मैंने स्टेटमेंट क्या बोला, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10^-2। अब वो x लिखता है तो मैं क्या बोलूंगा, x सेंटीमीटर, आंसर x इनटू 10^-2। वापस 3 बोला कोई, y सेंटीमीटर, z सेंटीमीटर,
माइनस टू बराबर फाइव सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर 232 सेंटीमीटर बराबर जैसे मैंने लिखे यहाँ पे मान लो कि 14 मिलीमीटर तो नाउ टू कन्वर्ट दैट मिलीमीटर इनटू मीटर क्या करना पड़ेगा बोलो 14 × 10⁻³ मैंने लिखे हैं यहाँ पे 6 माइक्रोमीटर क्या आएगा आंसर 6 × 10⁻⁶ बराबर मैंने बोला यहाँ पे 18 नैनोमीटर आंसर बी 24 एंगस्ट्रॉम आंसर बी कम ऑन 24 × 10⁻¹⁰ बराबर मैंने यहाँ पे बोला कि 26 पिकोमीटर कम ऑन आंसर बी 26 × 10⁻²⁰ बराबर मैंने बोला 15 फॉर मी आंसर बी कम ऑन बराबर फर्मी इज द रेडियस व्हिच इज यूज्ड फॉर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस एंड ऑल एटम वगैरह के रेडियस के लिए सब यूज करते हैं ये सब काफी स्मॉल होती है पिकोमीटर फर्मी ये सब एग्जांपल नंबर 2 अब मैं मीटर में भी कन्वर्ट करूंगा और सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करूंगा ठीक है जैसे मैंने नंबर दे दिया आपको कि 3 मिलीमीटर बराबर 3 मिलीमीटर कम ऑन कन्वर्ट इट इनटू मीटर कम ऑन आंसर भी 3 × 10⁻³ मीटर एग्री ठीक है नाउ कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर टू कन्वर्ट दैट मीटर लिसन एवरीवन लिसन to convert that meter into centimeter. meter to centimeter it should be multiplied by 100 it should be multiplied by 100 मतलब 10 के पावर में 2 ठीक है चलो आ जाओ कन्वर्ट करके लिखो मीटर को सेंटीमीटर में लिखो कम ऑन मीटर से सेंटीमीटर मीटर टू सेंटीमीटर मीटर टू सेंटीमीटर should be multiplied by you got my point yes क्या लिखेंगे बताओ कम ऑन 3 × 10⁻²⁰ समझा क्या किया बराबर चलो एक और देता हूँ 4 मिलीमीटर कन्वर्टेड इनटू मीटर 4 × 10⁻³ -3 1 बोल रहा है 4 × 10⁻³ कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर 4 × 10⁻¹ 1 6 नहीं 26 माइक्रोमीटर converted into meter come on answer 26 × 10⁻⁶ converted into centimeter come on 26 × 10⁻⁴ समझ में आ रहा है क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है 100 तो मीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 100 दूसरे टर्म में बोलना है कैसे बोल देना मीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻²² मीटर टू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻²² सेंटीमीटर टू मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻²⁻ सिंपल नंबर 4 कम ऑन मैं बोलता हूं सपोज 45 चेक दिस 45 नैनोमीटर आंसर मी इन टर्म्स ऑफ मीटर कम ऑन 45 × 10⁻⁹ हां सबको आंसर देना है भाई इसके बाद पूछूंगा मैं 45 × next cm समझा मेरा बात नंबर 5 386 angstrom 386 × −10 x next 386 × 10⁻¹ next 422 picometer come on convert 422 × 10⁻¹⁰ समझ में आ रहा है एक और
300 picometer. Come on, convert. 300 into 10 raised to minus 12. 300 into 10 raised to minus 12. Can I write it like this? 3 into 10 raised to minus 10 meter. What do you say? Yes or no? Yes. अब ना मैंने क्या किया? ये सबको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ? दो जीरो कैसा गायब हो गया? अरे इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना? 300 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 300 into 10 raised to minus 12 meter है ना? Can I write it like this? 300 into 10 raised to 2 into 10 raised to minus 12 meter. What is 10 raised to 2 and 10 raised to minus 12? 10 raised to minus 10 is the answer. You got my point? Yes. Convert it into centimeter. Come on, next. 3 into 10 raised to minus 8 centimeter. Ki samjha? Samjha. Pakka? Haan. Chalo, ye wala batao. 5000 angstrom. Convert it into meter. 5000 into? Minus 10 meter. तो उसको और कैसे लिख सकता हूँ? 5 into 10 raise to 3 into 10 raise to minus 10. तो कितना आ जाएगा? 5 into 10 raise to minus 7. 5 into 10 raise to minus 7. आया समझ में? मैं मानती चल रहा हूँ ऐसी कैलकुलेशन आती है तुम्हें बाबा. पक्का? नहीं तो पता चला ये क्या है वो समझाओ पहले. नहीं ना? मीटर सेंटीमीटर बोलो. माइनस 5 सेंटीमीटर. आगे समझ में? ठीक है. तो अभी के लिए एटलीस्ट इतनी कन्वर्जेंस तो याद करनी है तुमको जो मैं बता रहा हूँ. नंबर 2 सेकंड में अपना जो डिस्कशन है मास को रिलेटेड है बराबर. हाँ सब हम किस में बोलते हैं? मास अपन किलोग्राम में बोलते हैं, ग्राम में बोलते हैं, मिलीग्राम में भी बोलते हैं. बोलो हाँ या ना? किसमें किसमें बोलते हैं बोलो? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम. सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है इन सब में? किलोग्राम. इन तीनों में तो किलोग्राम सबसे बड़ा है. किलोग्राम से छोटा ग्राम, ग्राम से भी छोटा मिलीग्राम. कभी भी बड़े यूनिट को अगर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पॉजिटिव. वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं बराबर. 1 किलोग्राम इज डैश ग्राम. सबको पता होगा ये तो. 1 किलोग्राम इज डैश ग्राम. 1 किलोग्राम इज डैश ग्राम. इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000. 1000 कैन बी रिटन एज इन साइंटिफिक नोटेशन 10 रेज़ टू बाबा डरा दे दे तू सच में. अलग लेवल पे मैथ्स चल रही है तुम्हारी. तुमने क्या बोला? 10 रेज़ टू 3. ऐसा लगा 9 या माइनस कुछ तो बोला तुमने. 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया? 1000 ग्राम हो गया ना? आया ना? ऐसे ग्राम को जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना आल्सो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू 3. अब रिवर्स आओ. मिलीग्राम टू ग्राम, ग्राम टू किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? मिलीग्राम टू ग्राम बोलो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. ग्राम टू किलोग्राम क्या होगा बोलो? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू माइनस 3. अगर कोई मुझसे पूछे कि किलोग्राम को ही सीधा सीधा मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 6. कोई मुझसे पूछे मिलीग्राम को सीधा सीधा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बोलो क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू माइनस 6. समझ में आ रहा है बात? एग्जांपल ले लो. सपोज अगर ऐसा लिखा हुआ 2 केजी बोला बताओ कितना ग्राम? बोलो 2 केजी इक्वल टू डैश ग्राम 2000. लिखने का स्टाइल क्या होगा? 2 इनटू 10 रेज़ टू 3 बराबर 2 केजी डैश मिलीग्राम. आंसर में 2 इनटू 10 सिंपल सा लॉजिक है. केजी टू ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 3. केजी टू मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 6. 0.5 मिलीग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम. कम ऑन. 0.5 मिलीग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम. आंसर बोलो. 0.5 इनटू 10 रेज़ टू माइनस 3. Can I write it as 5 into 10 raised to minus 12 minus 4 na 5 bola na kisi ne aisa bola theek samjha 5 kaise likha usko 0.5 ko 5 likha into 10 raised to minus 1 add up kya ho jayega 5 into 10 raised to minus 4 ye wala batao convert it into gram come on kilogram come on मिलीग्राम से किलोग्राम. हाँ सर 0.5 इनटू 10 रेज़ टू माइनस 6. आया बात समझ में?
अपने को दिया है 3 ग्राम और बोला कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम, आंसर 3 into 10^-3 और 3 ग्राम दिया, बोला कन्वर्टेड इनटू मिलीग्राम, कम ऑन 3 into 10^-3 ये मत सोचना जरा भी वीडियो चालू तो मैं कुछ बोलने वाला नहीं। कौन सा माइनस वाला, कौन है जिसकी आंखों में दिख नहीं रहा है कि ग्राम से मिलीग्राम क्या है 10^3 बराबर, तो 3 से क्या हो जाएगा 3 into 10^3 बराबर। सपोज आपको दे दिया x मिलीग्राम और बोला कन्वर्टेड इनटू ग्राम, आंसर x into 10^-3 x मिलीग्राम टू किलोग्राम, आंसर माइनस 6। उसने बोला कि जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू है y upon 90 किलोग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम, आंसर y by 90 मल्टीप्लाई बाय 10^3 भगवान आज सच नहीं बुलवा सकता किलोग्राम टू ग्राम छोटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 ना। अच्छा चलो एक और दिया कन्वर्टेड इनटू मिलीग्राम, कम ऑन आंसर नहीं y upon 90 into 10^6 सबको अगर कहीं पे दे दिया 0.05 kg बराबर कन्वर्टेड इनटू ग्राम, आंसर 0.05 into 10^3 बराबर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 0.05 को 5 into 10^-2 into हाँ तो बचा क्या 5 into 10 का मतलब 50। वो लोग ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं बट बात बता रहा हूँ आगे चल के यूनिट की कन्वर्जन में मिलेगा ऐसा सब, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है पता है? अरे वॉल्यूम का ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट क्या था? मास का बताओ फिर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, बट अपन जो जनरली यूज करते हैं ना सिलेबस में वो लीटर के टर्म्स में होता है, आइदर लीटर और मिलीलीटर। मीटर क्यूब तो बड़ा यूनिट है इनका, तो सबसे बड़ा यूनिट जो हो गया वो मीटर क्यूब है बराबर। नेक्स्ट यूनिट जो है वो डेसीमीटर क्यूब है, उससे भी छोटा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब है जो मुझे चाहिए बराबर। 1 decimeter cube = 1 liter डेसीमीटर क्यूब लीटर एक ही यूनिट होती है, 1 centimeter cube = 1 milliliter ठीक है। तो ये जो डेसीमीटर क्यूब है इसी को लीटर बोलते हैं, जो सेंटीमीटर क्यूब है इसी को क्या बोलते हैं मिलीलीटर। मीटर क्यूब बड़ा यूनिट होता है, मीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब जाना है ना इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 10^3 और 1 liter 1000 ml के बराबर ही सब लोग जानते रहते हैं, तो इसलिए इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10^3 रिवर्स आ जाओ क्या होगा बोलो, मिलीलीटर से लीटर बोलो मल्टीप्लाई बाय -3 लीटर टू मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10^3 क्लियर हो रहा है पॉइंट, ठीक है। मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब की क्या रिलेशन होगी बोलो, कम ऑन एवरीवन मल्टीप्लाई बाय 10^-6 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10^6 अगर मुझे ऑप्शन है, मुझे क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया एग्जांपल कि 5 लीटर बराबर 5 लीटर इज इक्वल टू डैश एमएल, आंसर आएगा कितना 5 × 10^3 5000 ml ना बराबर। लीटर से अगर पूछते हैं कि मीटर क्यूब बताओ तो क्या करोगे, लीटर से क्या आना है 5 × 10^3 आंसर बोलो 5 × 10^3 बराबर। सबसे बड़ा यूनिट मीटर क्यूब, नंतर लीटर, नंतर मीटर क्यूब टू लीटर, लीटर टू बड़े से छोटे पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10^+ छोटे से बड़े पे आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10^-, 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 10^-
वो 10 पॉजिटिव नंबर होगा या 10 नेगेटिव नंबर होगा? समझ आ रहा है बात? ठीक ठीक चलो ये वाला बताओ, 22.4 लीटर, कम ऑन आंसर दे इन टर्म्स ऑफ एमएल। बोलो बोलो जल्दी बोलो, 22.4 into 10 raised to 3। श्योर एवरीवन? सपोज दिया है कि 8 मीटर क्यूब आपको बोला है, फाइंड आउट द वॉल्यूम इन लीटर एंड मिलीलीटर। 8 मीटर क्यूब, 8 into 10 raised to 3। और ये वाला क्योंकि आपको कन्वर्ट कहां से करना है, मीटर क्यूब से। सपोज अगर ऐसा दिया भाई 22,400 ml, ठीक है, और बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू इन लीटर, आंसर क्या लिखेंगे? 22,400 into 10 raised to -3। बराबर, -3 देखोगे तो कहां आएगा, जीरो जाएगा, जीरो जाएगा, पॉइंट इधर आएगा, तो मतलब ये कितना हो गया, दैट इज 22.4 लीटर। समझ आ रहा है? सपोज अगर ऐसा लिखा है x लीटर, फाइंड आउट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मिलीलीटर, x into 3 व्हाट मिलीलीटर, वो भी तो बोलो साथ साथ, x अपॉन 22.4 लीटर, x अपॉन 22.4 लीटर कन्वर्टेड इनटू मिलीलीटर, आंसर x upon 22.4 into 10 raised to 3 आया समझ में सबको? क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, जिसको पूछूंगा वही बताएगा, बाकी कोई बीच में बोलेगा। जीरो पॉइंट फाइव मिलीलीटर दिया है, ठीक है, आप बताओ। हाँ यस, कन्वर्टेड इनटू लीटर, 0.5 एम एल गिवन है, कन्वर्टेड इनटू लीटर, 0.5 into 10 raised to -3। कौन सा यूनिट बड़ा है, मिलीलीटर या लीटर? लीटर। आपने क्या बोला? लीटर बोला। बड़ा यूनिट कौन सा है, मिलीलीटर या लीटर? सबसे बड़ा यूनिट कौन है इन तीनों में? मीटर क्यूब, उसके बाद लीटर, उसके बाद मिलीलीटर। एक लीटर 1000 एमएल के बराबर है ना, तो बड़ा कौन हुआ, एक लीटर या 1000 एमएल? एक लीटर, क्योंकि वो एक अकेला 1000 के बराबर है। तो समझा मेरा बात? क्लियर होगा ये पॉइंट? ठीक है, नंबर 4 इज डेंसिटी। फोर्थ वन जो अपन पढ़ने वाले हैं डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी के लिए क्या लिखते हैं अपन? डी लिखते हैं, बोलो। हाँ यार, हाँ बराबर, डेंसिटी क्या है, हार्ड विद एन एरो, दिख रहा है ये ऊपर कौन हो गया, देखो जरा, हाँ ये एक्स एक्स फॉर मास, ये कौन हो गया, ये क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ गलती से गलती हो जाए तो बोल देना, वो एक्सप्लेनिंग डेंसिटी। मास क्या, अगर मैं यूनिट किलोग्राम लेता हूँ, मास का यूनिट क्या लेता हूँ, बराबर, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिया तो यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मान लो मास की यूनिट मैंने ग्राम में ले ली और वॉल्यूम की यूनिट मैंने एमएल में ले ली, तो यूनिट क्या हो गया, ग्राम पर मिलीलीटर। अगर मैंने मास की यूनिट ग्राम में ली, वॉल्यूम की यूनिट लीटर में ली, तो क्या हो गया, ग्राम पर लीटर। समझ रहे कैसे अलग अलग होगा? अरे बात समझ में, ठीक है। नंबर 5, फिफ्थ वन, The most important one, pressure. Pressure में जो हम यूज करते हैं ना, वहां पे जो यूज अपने को ज्यादा होता है वो एटीएम, ठीक है, हाँ, 1 atmospheric pressure, ठीक है, 1 atmospheric pressure. अब ये एटीएम का कॉन्सेप्ट कैसे है, ये क्या चीज है, 1 atm को मैं कैसे रिलेट कर रहा हूँ, तो जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेजर किया गया है एट सी लेवल बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर, बराबर। तो कभी भी आपको कोई पूछे कि प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो आपका आंसर होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है वो समझ लो, ये बैरोमीटर है, मान लो ये ग्लास का कंटेनर है,
बराबर एंड दिस ग्लास कंटेनर इज फिल्ड विद मर्क्यूरी दिस ग्लास कंटेनर इज फिल्ड विद मर्क्यूरी और इस मर्क्यूरी के अंदर मैं एक स्पेशल टाइप की ट्यूब डाल रहा हूं बराबर ये कैसी ट्यूब है इसके अंदर स्पेशल टाइप बराबर इसे जनरली कैपिलरी ट्यूब के नाम से भी बोला जाता है इस ट्यूब की खास बात क्या है कि इसमें हर 1 मिलीमीटर पे हर 1 मिलीमीटर पे मार्किंग है 1 2 3 4 5 ऐसे मार्किंग है जैसे आपने कैपिलरी ट्यूब अंदर डाला ये मर्क्यूरी जो होगा ना थोड़ा बहुत अंदर एंटर करेगा जैसे आप वो ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करोगे बराबर किस पे ये मर्क्यूरी के अंदर तो मर्क्यूरी का एक पार्ट इसके अंदर चला गया दैट विल बी कॉल्ड एज मर्क्यूरी कॉलम उसमें क्या नाम दे देता हूं मर्क्यूरी कॉलम नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट ये जो पूरा सेटअप है इज केप्ट एट सी लेवल मान लो सब लोग आप चले गए जुहू जुहू चौपाटी ना तो जुहू चले गए अब जुहू चौपाटी जो सी लेवल है उसके बाजू में इंस्ट्रूमेंट रख दिया है अभी क्या वो पूरा ओपन स्पेस है हवाएं चल रही है वो हवा आके क्या करेगा प्रेशर अप्लाई करेगा इसके ऊपर उस हवा के प्रेशर से ये जो ये मर्क्यूरी कॉलम होगा ना नाउ दैट मर्क्यूरी कॉलम विल राइज दैट मर्क्यूरी कॉलम विल राइज और एक जगह आके रुकेगा राइज नहीं बाबा राइज एक जगह पर्टिकुलर जगह पे आके रुक गया बराबर तो एट सी लेवल अपने को ये देखने को मिला ये जो एटमोस्फियर है इसका जो प्रेशर है वो आता है 760 मिलीमीटर कितना प्रेशर आया 760 मतलब इस ट्यूब में वो कहां तक गया 760 तक गया कौन गया मर्क्यूरी इसलिए उसको लिखते हैं 760 mm ऑफ Hg यूनिट क्या देते हैं mm ऑफ Hg इतना मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इतना कॉलम राइज हुआ दैट मर्क्यूरी कॉलम राइजेस अप टू 760 मिलीमीटर समझा और इसका कांसेप्ट ये होता है कि आप जैसा-जैसा सी लेवल से ऊपर जाएंगे That pressure goes on decreases. जैसा जैसा sea level के नीचे जाएंगे that pressure goes on increasing. इसीलिए आप बहुत ज्यादा देखोगे तो वहां पे mention करते हैं ये sea level से कितना है this much above sea level, this much above sea level. बराबर especially जो railway के stations होते हैं start और end वाले जो board होते हैं yellow color वाले वहां पे ना नीचे ऐसे लिखा रहता है above sea level. कभी आप notice करना बराबर तो अबव सी लेवल इसलिए मेंशन करते कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा जैसे जो हिली एरियाज है वहां पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगेगा या कम लगेगा कम लगेगा मतलब वहां का प्रेशर कम है या ज्यादा है कम अभी यहाँ पे प्रेशर क्या होगा ज्यादा सी लेवल पे प्रेशर इससे भी ज्यादा और कोई पानी के अंदर है तो और भी ज्यादा नहीं समझा बराबर क्लियर हो रहा है पॉइंट ठीक है तो अगर मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो मिलीमीटर सेंटीमीटर की कन्वर्जन में दिख रहा है फर्क क्या दिख रहा है 10 का फर्क है वो पावर में सेंटीमीटर -2 है मिलीमीटर क्या है -3 तो 760 mm ऑफ Hg जो है इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये मिलीमीटर के टर्म्स में और ये कौन से टर्म्स में सेंटीमीटर ठीक है देयर इज वन मोर यूनिट कॉल्ड टॉर जो मिलीमीटर के बराबर होती है इसे 760 टॉर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं 760 टॉर यहाँ पे अभी अपन सिर्फ प्रूफ नहीं देखने वाले बराबर बट याद रखने की किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है बराबर
टॉर्क इज डिफरेंट जो प्रेशर की यूनिट है वो क्या है टॉर्क. अगर आपने टॉर्क सुना है कहीं पे तो वो अलग चीज है. ठीक है 1.01 × 10⁵ पास्कल. तो ये 1.01 को भी हम पर लिखते नहीं है, अपन इसको सिंपली सीधा सीधा लिख देते हैं 10⁵ पास्कल. 1 × 10⁵ क्या 10⁵ एक ही बात हुई ना बराबर. पास्कल का ही दूसरा भाई कौन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल का दूसरा भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आधे यू राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यू राइट पास्कल एक ही चीज हो जाएगी. एंड दैट 1 एटीएम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार आल्सो. बार इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर. समझाते यहां पे वो यूनिट्स पता होनी चाहिए. यूनिट्स लर्न करनी पड़ेगी कि कौन सा किसका यूनिट है. बराबर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है अब मुझे क्वेश्चन कैसा आया कि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि 2 एटीएम बराबर तो 2 एटीएम का यूनिट बोला कन्वर्ट करो एमएम ऑफ एची में हो पाएगा. क्या लिखेंगे 1 एटीएम 760 है तो 2 के मल्टीपल में बताओ तुम क्या हो जाएगा 2 × 760 एमएम ऑफ एची. सेंटीमीटर के टर्म्स में बताओ क्या होगा 2 × 760 सेंटीमीटर ऑफ एची. बराबर टॉर्क के टर्म्स में क्या होगा 2 × 760 टॉर्क. कितना पास्कल 1 एटीएम इज 10⁵ पास्कल 2 एटीएम इज 2 × 10⁵ पास्कल. 1 atm is approximately equal to 1 bar. So 2 atm is approximately equal to 2 bar. समझ में आएगा? अगर मैं बोलता हूँ कि 380 mm of Hg है, नोट करना जरा. 380 mm of Hg. Find out the pressure in atm as well as bar. Half. Simple ना? अरे 760 का half सोचो ना. ये कितना था? 760 था ना? ये देखो. 760 कितने के बराबर है? अगर ये 800 होता तो आंसर क्या आता था हाफ का? थोड़ा ही कम हो देखो. 760 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आएगा? 380. समझता ये सब? चलो ये भी नहीं समझता तो ऐसा 0 हटा दो 76 का हाफ क्या हो गया 38. अब तो समझेगा कि अभी भी नहीं समझा? क्लियर हो रहा है बात मेरा? अरे यस और नो? यस. ठीक है अब मान लो मुझे बोल दिया कि दैट एग्जाम्पल ऐसा दे दिया कि 63 एटीएम बता पाओगे आंसर. मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आप उल्टू करके बोल देना. ठीक है फाइंड आउट प्रेशर इन पास्कल 63 × 10⁵ पास्कल. फाइंड आउट द प्रेशर इन बार 63 बार. फाइंड आउट द प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 63 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल. फाइंड आउट द प्रेशर इन टॉर्क 63 × 760 टॉर्क. क्योंकि 1 एटीएम में 760 टॉर्क ना तो 63 एटीएम इज 63 × 760 टॉर्क. यूनिटरी मैटर. अरे हाँ यार ना. ठीक है नेक्स्ट नंबर 6 is temperature is measured in terms of degree celsius kelvin or degree fahrenheit. आपने सुना होगा ऐसे लोग आके बोलते हैं बाबा 104 डिग्री बुखार हो गया था. That 104 degree is degree fahrenheit. I repeat that 104 degree is degree fahrenheit not degree celsius. बॉडी 40 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर तो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता. अपना बॉडी का मतलब है टेम्परेचर का सीन क्या है. इट मेंटेन्स अ टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस. 41 42 मतलब तुम निकल गए बाबा. हां 104 पे तो बॉडी अपने आप बंद हो गई है जाने की भी जरूरत नहीं कहीं पे. अब समझे मेरी बात को? तो वो जो 104 आके घर वाले बताते ना रिलेटिव लोग कि 104 डिग्री बुखार हो गया था 103 डिग्री बुखार हो गया था तो उनको करेक्ट करना चाहिए आपको कि 103 डिग्री के साथ साथ में वर्ड यूज करें डिग्री फारेनहाइट नॉट डिग्री सेल्सियस. बोला 103 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो बॉडी उधर ही जल गई होती. ऐसा बोल के भाग जाने का फिर रुकने का नहीं तो रुके तो बाद में फिर रेडियो रोम रेस वाली सिचुएशन है. समझा? फिर घर पे बोल जाएगा जब रिलेट हो जाए तभी आने का वरना उतने दिखने का नहीं. देखो तो अभी टेम्परेचर ये वाला सीन तो बहुत क्लियर है डिग्री सेल्सियस से कैल्विन वाला.
If you want to convert the degree Celsius into Kelvin, add 273.15. आप 0.15 ignore कर देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, ठीक है? And if you want to convert that Kelvin into degree Celsius, -273.15, ठीक है? मैं लिख दे रहा हूँ, but use मैं भी नहीं करूँगा. Example, मैंने लिखा कि मान लो 25 degree Celsius है. Come on, find out in terms of Kelvin. Answer. अभी मत बोलना plus 273. Add करके बताना. 25 plus 273 कितना आ जाएगा? 298.15. आगे से हम कभी नहीं लिखेंगे 0.15. We'll use 298 only. आया समझ में? ठीक है? Suppose मैंने लिखा 35 degree Celsius. Come on, answer me in terms of Kelvin. आएगा? 308. 308. Sure. 0.15. Clear हो रहा है? Difference एक ही रहेगा ना 10 का. 35 degree Celsius कितना आ जाएगा? और जब भी आपकी एग्जाम होगी तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एमसीक्यूज में. या तो क्वेश्चन में फॉर्मूला आएगा या तो कन्वर्ट करने के लिए आएगा डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट. यहाँ पे मैं डिग्री सेल्सियस दूंगा और डिग्री फारेनहाइट कैलकुलेट करूंगा. चलो मैंने सबसे पहले एग्जांपल ले लिया. मैंने बोला डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस. स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. कम ऑन, क्या हो जाएगा? डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू 25 प्लस 32. 5/5 बराबर 9 इनटू 7 63 ना. अरे 45 प्लस 32 कितना हो गया? 77 यूनिट डिग्री फारेनहाइट. सपोज एग्जांपल में दे दिया आपको 35 डिग्री सेल्सियस. कम ऑन, 9/5 इनटू 35 प्लस 32 आंसर 95 नहीं आ रहे क्या? तो बोलो, कब बोलोगे? 5 into 7 9 into 7 कितना हुआ? 63 प्लस 32 कितना आ गया? 95 डिग्री फारेनहाइट. चलो आपको एग्जांपल में दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस. 9/5 इनटू 40 प्लस 102 कितना आ रहा है? 5 into 8 9 into 8 72 प्लस कितना हो जाएगा? 104 डिग्री फारेनहाइट. अब दूसरा फॉर्मूला उल्टा. इस बार क्या करेगा मालूम है? डिग्री फारेनहाइट देगा और क्या पूछेगा? डिग्री सेल्सियस. फॉर्मूला को मालूम, 5/9 डिग्री फारेनहाइट. ये प्लस 32 का उस पर बुला रहा है माइनस 30. खाली ध्यान देना, सबसे पहला काम ये करना होगा कि डिग्री फारेनहाइट में से 32 माइनस करना, फिर आगे मल्टीप्लाई करना, वरना गलत हो जाएगा. ठीक है, चलो जैसे मेरे को एग्जांपल में दे दिया कि 77 ही ले लेते हैं ना, 77 डिग्री फारेनहाइट. स्टार्ट सॉल्विंग, क्या हो जाएगा? 77 माइनस 32, 7 में 2 5, 7 में 3 4, अंदर कितना बचा? 45, 9 और इधर 45, 5 टाइम्स 5 into 5 आंसर हो जाएगा. नहीं समझा? समझा. ठीक है, लास्ट वन आज का. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट होता है मोल. जिसका यूनिट क्या होता है? मोल. यूनिट क्या होगा? मोल. ठीक है, ये याद रखिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी? मोल. क्या है मोल, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, बराबर. तो अब ये जो मैंने पेज नंबर लिखे ना 4, 5, 6, 7, 8, इसमें आप देखोगे तो 7 और 8 के कुछ कांस्टेंट की वैल्यूज दी है, बराबर. धीरे धीरे ये कांस्टेंट की वैल्यूज आपको कॉलम्स में आती रहेंगी. अगर आपको इच्छा है तो आप ये वैल्यूज को अभी से याद कर सकते हो. ठीक है, ये जस्ट फॉर रेफरेंस है. उन वैल्यूज को अभी से भी याद किया जा सकता है, उन वैल्यूज को आगे भी याद किया जा सकता है. सो इट्स अप टू यू.
बराबर ऑप्शनल है वो, अभी लर्न करना है या बाद में करना है तुम्हारे ऊपर है, ठीक है? कॉपी करना चालू कर, 10 मिनट में कॉपी करके खत्म कर।